ये तमाम चोर जब से मोदी सरकार आई है 7 साल से, जब से जो रुख अख्तियार किया उन्होंने फासिस्टी तरीके का, सांप्रदायिकता का, सफर लेते हैं लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के लेते हैं, और शपथ लेने के बाद में ये स्थिति है, उस शपथ की धज्जियां उड़ाते हैं लोग। क्या ये अच्छी परंपरा है? शपथ किसे कहते हैं? शपथ लो और उसकी धज्जियां उड़ाओ, ये बहुत एक संकेत है देशवासियों को, देश की दिशा जा रहा है। क्या लोकतंत्र कायम रहेगा? जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी ने जो तरीका अख्तियार किया है शासन करने का, एजेंसियों को दबाव में रखा जा रहा है, जुडिशरी की परवाह नहीं की जा रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग धमके हो रहा है, छापे डाले जा रहे हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं पहले छापे की कार्रवाई होती है। ये जो सब कुछ हो रहा है देश के अंदर, उससे आज प्रदेश में और देश के अंदर लोग समझ चुके हैं कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। जितने बुद्धिजीवी है, लेखक है, पत्रकार है, उनकी लेखनी में जितना दम है वो लिख रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके कि दबाव में है मोदी और मोदी मीडिया लिख रहे हैं आर्टिकल, और पूरा देश समझ रहा है हो क्या रहा है। और हद हो गई लखीमपुर खीरी में, तो दिन दहाड़े जो घटना हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। आप बताइए, इतनी बड़ी 8 लोग मारे गए हैं। अभी प्रियंका जी का मैं वीडियो सुन रहा था रास्ते के अंदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कैसे कुचला जा रहा है गाड़ी से लोगों को दिखाया गया, उसके बाद में क्या सबूत की जरूरत है? भयावह स्थिति है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कांग्रेसियों को उठ खड़ा होना चाहिए, देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का समाजवाद खतरे में है, गरीबी कोई सुनवाई नहीं होती है, इस राज के अंदर गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, ऐसी नीतियां इन लोगों की, संविधान खतरे में है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वक्त आ गया है कि आम जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। और पूरे पहला यकीन है कि मोदी जी जिस प्रकार से बातें बोलते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, पर मोदी जी आपकी धीरे धीरे आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। आप सर्वे करवा लीजिए, गांव में भी, शहरों में भी आम आदमी समझ गया है कि आपकी कथनी में करनी में अंतर है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, वरना आज देश की ऐसी दुर्गति नहीं होती। कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपना, लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, और यूपी और उनके मुख्यमंत्री तो जीते जाते उदाहरण है उसके। और यूपी के मुख्यमंत्री भी मोदी जी के दूसरे रूप के रूप में, उनका कोई तरीका काम करने का, जलाने का, धमकाने का तरीका है, चुनाव आ रहे हैं उसी रूप में व्यवहार कर रहे हैं प्रदेशवासियों के साथ। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया, उसके कारण तमाम बॉर्डर पर कल भी अरेस्ट हुए हमारे 3 साथी, चेतन डूडी, रोहित बोरा और दानिश अब्रार, वो भी अरेस्ट हुए वहाँ पर बॉर्डर पर। भरतपुर पे भी प्रदर्शन हुआ, धौलपुर में हुआ, आज अध्यक्ष जी बता रहे थे भी आपको पूरे प्रदेश के हर जिले के अंदर प्रदर्शन हो रहा है।
मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा जब कभी प्रोग्राम होता आह्वान करते हैं, आप लोग मौजूद रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि समय आ गया कि हम सब मिलकर के दिल्ली को दिखा देंगे, प्रदेशवासी आपकी हरकतों को, करतूतों को, आपकी सोच को, आपके व्यवहार को पूरी तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनका भ्रम टूट गया है जो कुछ हमारे मोदी जी के बारे में था, भ्रम टूट गया। स्थिति बड़ी गंभीर है। हम लोग भी जब एनएसयू में थे, झंडा तिरंगा एनएसयू का लहरा रहा है, हम लोग भी एनएसयू में थे, मैं एनएसयू का अध्यक्ष था, तब भी ऐसी स्थिति आई थी 76 में। इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, वो वक्त भी देखा हमने, वो वक्त भी देखा है, अभी तो कुछ नहीं है। पर जनता इतनी समझदार है देश की, 2.5 साल में ऐसा माहौल बनाया, कुछ इंदिरा गांधी के वापस आने चले, और हम लोग सब पार्लियामेंट में पहुंच गए 40 साल पहले। जनता कब अपना करवट बदलती है मालूम नहीं पड़ेगा मोदी जी को। आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, और चॉइस के अंदर इसलिए कि जनता और इस देश के किसान अपने मन की बात सोच करके फिर थप्पा लगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लखीमपुर खीरी की घटना कोई मामूली नहीं है, पूरे देश को हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया। और जिस प्रकार प्रियंका जी के साथ में व्यवहार हो रहा है, वो एआईसीसी की महामंत्री के रूप में और काम कर, उनको जिस प्रकार डिटेन किया गया, पुलिस वाले रात को 3 बजे दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ में, दीपेंद्र हुडा उनके साथ थे, मैंने खुद ने देखा है कल टीवी के अंदर किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था। आप सोच सकते हो कि अगर पूरे देश की जनता, वक्त आ गया है ये उनको मैसेज देना पड़ेगा, देश भर का किसान दुखी है, उनको कोई वादे किए कि इनकम दुगनी कर देंगे, क्या दुगनी करने के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको आह्वान करूंगा कि राहुल गांधी ने जो आह्वान किया है, सोनिया गांधी जी के सानिध्य में जिस प्रकार कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी, पूरे देश के अंदर कुछ लोगों को भ्रम है कि कांग्रेस कहाँ है। अरे कांग्रेस देश के हर घर में है, हर गांव में है, हर चौकी के, और कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। अल्टीमेटली तो देश वासियों को कांग्रेस सुपुर्द करना पड़ेगा। देश आप दिमाग में रखें, पूरे देश का इतिहास पढ़ लें, दुनिया का इतिहास पढ़ लें, जहाँ जहाँ ये शक्ति आई है, फासिस्टी ताकत आई है, हिटलर से लगा करके आज तक आई है और वापस गई है, उन्हें पता नहीं लगा है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के जमाने से, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल के जमाने से, डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने से जो नीतियाँ जो कार्यक्रम लेकर चल रही है, वो देश के डीएनए को लेके बनाई गई है। अनेकता में एकता, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियाँ, भाषाएं, बोलियाँ, उनको एक अखंड रखा गया है। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, बताइए आप प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, जो प्रियंका गांधी की राहुल गांधी की दादी थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, दूसरी बार बम चौड़ा दिए गए, इनके पिता थे, पर आपने कभी देखा 15 साल में राहुल गांधी को बोलते हुए अपने पिता के बारे में या दादी के बारे में कि मैं उनके नाम से राजनीति करूँ? वो उन शहीदों के बच्चे हैं जिन्होंने देश को
आजादी के पहले भी आजाद करवाया मुल्क को, 10-12 साल से जेल में बंद रहना पंडित नेहरू के लिए कोई कम बात थी। जिनको लेके ये आरएसएस और बीजेपी वाले जिस प्रकार राहुल गांधी को लेके सोशल मीडिया में बातें चलाई गई, उसी प्रकार से बहुत हल्की बातें चलाने वाले लोग हैं नेहरू के बारे में, जो नेहरू का लोहा दुनिया मानती है, इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा है और देश इनको भी नहीं छोड़ेगा, टाइम आने दो। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, आप सब आए उनके बहुत शुक्रिया, और आप लोग जाके जनता में किसानों में जाके बातचीत करें। आने वाले वक्त में हो सकता है और बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं।